पंजाब नेशनल बैंक के करीब 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे मेहुल चौकसी को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी NCLT ने भारत में मेहुल चौकसी की ज्वेलरी ब्रांड गीतांजलि जेम्स के लिक्विडेशन का आदेश दिया है। काफी टाइम से देश से फरार चल रहे हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी द्वारा प्रमोटेड कंपनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और कानूनी मुद्दों में फंस गई है। शेयर बाजार को दी गई सूचना के आधार पर बेंच ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी IBC 2016 की धारा 33 के तहत ये आदेश दिया है। साथ ही शांतनु टीरे को लिक्विडेटर भी नियुक्त किया गया है। साथ ही लिक्विडेटर NCLT के आदेश के अनुसार IBC 2016 के प्रावधानों के अनुसार लिक्विडेशन प्रक्रिया को पूरा करेंगे। गीतांजलि जेम्स और उससे जुड़े ऑफिशियल्स की कथित धोखाधड़ी के कारण मामले की ED और CBI कर रही है। आपको बता दें कि PNB से धोखाधड़ी का ये मामला जनवरी 2018 में सामने आया था, जब बैंक ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चौकसी व अन्य के खिलाफ फ्रॉड की शिकायत की थी। मामला सामने आने के बाद जनवरी 2018 में चौकसी देश छोड़कर कैरेबियन आइलैंड जा बसे थे। मेहुल चौकसी के खिलाफ जारी जांच पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए पैसा लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें।